हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्ट। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इसमें हम देखेंगे सैम्पल पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस। तो उनको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो सैम्पल पेपर 1, 2, 3 और 4 है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ, सो यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू आप सारे के सारे सैम्पल पेपर जितने आज तक मैंने सॉल्व किए हैं सब आपको मिल जाएंगे। मैं एजुकार्ट सैम्पल पेपर से सॉल्व कर रही हूँ, सो यहाँ से अगर लिंक नहीं मिलती तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सैम्पल पेपर नाम से आपको लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करेंगे, लाइन से सारे के सारे सैम्पल पेपर जितने मैंने अभी तक किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इन फ्यूचर भी जो भी मैं सॉल्व करूँगी वो आपको इसी सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px + 3 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स इफ p इक्वल्स टू। तो p की वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो। सो रूट्स इक्वल है मतलब कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0, और इक्वल जीरो क्यों? क्योंकि रूट्स हैं हमारे इक्वल। अब यहाँ पर हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी से ए बी सी की वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ पर देखें, ए है हमारा 2, बी है p, सी है 3। यहाँ से वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देंगे जिससे हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर देखें, b² कितना है हमारा p, सो p² - 4 एज इट इज। a है हमारा 2, c है हमारा 3, सो 4ac, देन p² एज इट इज, 4 2 8 8 3 24, और माइनस का साइन एज इट इज। अब ये माइनस का 24 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा? तो ये हो जाएगा प्लस का, तो p² इक्वल्स टू आ गया हमारा 24। स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, 24 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, सो यहाँ से 2 का पेयर बन रहा, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 2 6 रूट के अंदर ही रहेगा। सो यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू रहेगी वो रहेगी ±2√6। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज। तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, बट हमको सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर्स का सम फाइंड करना है, मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर आप 20 तक के नंबर लिखेंगे तो सब में 1 1 का डिफरेंस है। 1 और 2 को देखें, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये बन रही है हमारी ए पी। और कोई भी हमारी ए पी रहेगी उसके फर्स्ट एन टर्म का जो सम होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a + n-1 d। सो सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn = n/2। सो क्योंकि 20 टर्म का फाइंड करना है इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 20, और n/2 तो 20/2, 2a + n मतलब 20 - 1 d। तो a भी 1 है, d भी 1 है, वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 20 नेचुरल नंबर आ गया 210। सो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए n/2 तो 20 टर्म है, तो 20/2 हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है, देन a की वैल्यू भी 1 है, d की वैल्यू भी 1 है, तो 2 * a का कोई तो मतलब नहीं है, 2 रहेगा। n - 1 मतलब कि जो हमारे 20 टर्म है तो 20 - 1 हो जाएगा 19 * 1, सो 19, सो 19 + 2 हो जाएगा 21, 21 * 10 = 210। सो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, ईजी ही है। सो यहाँ पर जो हमारे सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 210। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, अब हम देखते हैं 13। 13 क्वेश्चन को देखें, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन sec थीटा। सो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहें तो ट्राइंगल फॉर्म करें तो वो तो लॉन्ग मेथड हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पर कम से कम टाइम लेना है क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो एक शॉर्टकट यहाँ पे देखें ज़रा, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो √3 10 के कितने एंगल पे यानी कितने थीटा पे वैल्यू होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3, मतलब कि थीटा यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 60। 10 थीटा एज इट इज है, √3 की वैल्यू कितने थीटा पे होती है? 1060 डिग्री पर √3 इसकी वैल्यू होती है, तो हमने लिखा 1060। 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितना आ गया?
सो थीटा हमारा कितना गया 60 डिग्री। अब सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक 60 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुटअप कर दीजिए आप 2, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री दिया है, तो रूट थ्री टेन 60 की वैल्यू होती है, मतलब थीटा 60 है, तो टेन तो सेक 60 हो जाएगा हमारा 2 आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। तो ये हो गया इस तरह से खत्म। सो बस इस तरह से आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं देना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि 15 चैप्टर में हमने बिल्कुल जब इंट्रोडक्शन देखा तो तब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के ही बीच में होती है। अगर जो श्योर इवेंट है तो क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है कि अगर इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, और अगर जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब इसके और में एक और क्वेश्चन है, एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड वंस। सो डाइस एक बार रोल हुआ, देन हमको बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन तो अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस देखे तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो भी चुका है। प्राइम नंबर बोला गया है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से लेकर 6 तक के टोटल इसमें नंबर हैं। अब इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है हमारा, 3 है और 5 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, तो 3/6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी आंसर। बट फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो समझा देती हूँ इसको। सो डाइस पर टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के टोटल ये नंबर हैं। अब अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करने पे इनमें से प्राइम नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले हमको फेवरेबल आउटकम पता करने होंगे। तो इनमें से हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, सो 3/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3/total possible outcome 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2। सो आंसर हमारा आ गया 1/2। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ये भी कर लिया, इसके और में था ये भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको मीन फाइंड करना है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। सो 2 के मल्टीपल देखना है हमको, फर्स्ट 10 मल्टीपल। सो 2 1s are 2, 2 से स्टार्ट होंगे और कहां तक चलेंगे, 2 10s are 20, क्योंकि फर्स्ट 10 मल्टीपल हमसे पूछे हैं। तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं लेकिन फर्स्ट 10 है, आगे भी होते हैं लेकिन बोला गया फर्स्ट 10 मल्टीपल। तो ये सारे नंबर हैं हमारे। अब हमको बोला गया है कि इनका मीन फाइंड करिए। तो जब इस तरह का डाटा होता है तो हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका सम कर देते हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे और ये टोटल कितने हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे हम। और अगर आपको 2 से लेकर 20 तक के जो भी नंबर हैं आपके 2 के मल्टीपल्स हैं उनका सम पता है तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। देखें, जो हमारे नंबर हैं ये सभी हमारे एपी में है, मतलब कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2, और कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा 2। सो यहाँ पर हमने इसको अलग से सॉल्व कर लिया, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 10/2, क्योंकि n ओवर 2 होता है फॉर्मूला। 2a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म, 2 प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सो 2 2s are 4, 9 2s are 18, 18 प्लस 4 22, 22 इनटू 5 आ जाएगा 110, मतलब इन सभी का सम कितना आ जाएगा 110, और 0 से 0 कैंसिल तो कितना आ गया हमारा 11। सो हमारा यहाँ पर मीन आ गया 11। सिंपल था, इजी था। बस अगर आपको इन सभी का सम पता है तब तो आप डायरेक्टली 110 पुट अप कर सकते हैं, नहीं पता तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये है तो एपी ही, कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म 2 है, इस तरह से इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे 11 से लेकर 15 तक के जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है 16-20 उनको देखते हैं। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेरा वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है, मीन एंड मोड ऑफ द डिस्क्रीट डाटा इज 6 and 9। मीन दिया है 6, मोड दिया है 9, और मीडियन फाइंड करना है। तो मीन, मीडियन, मोड के लिए एक रिलेशन होता है, उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन आपको याद रखना है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जा सकता है,
कई बार इस तरह का एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जा सकता है या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि MCQs में भी पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस रिलेशन को मैं लिखूंगी। सो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 3 median = mode + 2 mean। सो इस फॉर्मूले से हम मोड की वैल्यू पुट अप कर देंगे, मीन की वैल्यू पुट अप कर देंगे और मीडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो मोड हमारे पास है 9 और मीन है 6। तो लीजिए छोटी मोटी कैलकुलेशन थी वो हुई और हमारी मीडियन आ गई 7। तो मोड हमारा 9, 2 इंटू मीन कितना गिवन था, क्योंकि देखिए मीन पहले बोला गया तो 6 मीन हो जाएगा, मोड बाद में बोला गया है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे मोड की वैल्यू रखी 9, 2 इंटू मीन 6, तो 6 2 12, 9 एज इट इज, 9 + 12 हो जाएगा 21, 3 मीडियन हमारा एज इट इज चल रहा है। देन क्योंकि मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी तो मीडियन के मल्टीप्लाई में 3 था, ये मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 3, 3 7 21। सो मीडियन आ गई हमारी 7। सो ये हो गया आपका 1 mark का क्वेश्चन। अब इसके और में एक और क्वेश्चन हमको गिवन है, समीशन एफ आई 15, समीशन एफ आई इज इक्वल टू 3p + 36 एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3। मीन हमको गिवन है और जो उसका फॉर्मूला जो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, इसकी वैल्यू हमको गिवन है और p की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो जब मीन गिवन है तो ईजिली हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मीन इक्वल्स टू हमको गिवन है 3, लेकिन मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमको गिवन है 3p + 36 और समीशन एफ आई की वैल्यू गिवन है 15, तो यहाँ पुट अप कर देंगे। अब यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू 3p + 36 समीशन एफ आई 15 इक्वल टू 3 एज इट इज, ये 15 डिवाइड में इक्वल्स टू कुछ तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 15 3 = 45, और ये 36 प्लस का है तो इक्वल्स टू कुछ तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। सो यहाँ पर देखें 15 3 हो गया 45, ये 36 प्लस का था इक्वल्स टू उस तरफ गया माइनस का गया, देन 45 - 36 किया तो आ गया 9, देन p के मल्टीप्लाई में 3 था ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 3 3 = 9, सो p की वैल्यू आ गई 3। सो यहाँ पर p की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया, इसके और में था वो भी कंप्लीट हो गया है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार हमने दोनों डाइस को एक बार में थ्रो करा। अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो सबसे पहले डबलेट्स क्या होंगे हमारे, सेम नंबर, या दोनों पे 1 आए या दोनों पे 2 आए या फिर 3 4 5 और 6, मतलब दोनों पे सेम नंबर आने चाहिए उसको हम बोलेंगे डबलेट। तो यहाँ पर कितने डाइस हैं, दो डाइस हैं, थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस दो डाइस हैं। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। कैसे होंगे ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैप्टर 15 को आप देख लीजिए तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं, क्योंकि दो डाइस हैं, एक डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 6, 6 6 = 36। तो डबलेट्स का मतलब ये है कि दोनों डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हैं तो दोनों पे या तो 1 आए या दोनों पे 2 आए या दोनों पे 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 6 है और सबसे कम नंबर 1 है। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 6, टोटल पॉसिबल आउटकम है 36। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है 6, पॉसिबल आउटकम है 6, तो 6 upon 36, 6 1 = 6, 6 6 = 36, तो 1 upon 6 प्रोबेबिलिटी रहेगी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल है 6, टोटल है 36, 6 1 = 6, 6 6 = 36, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी है, मैं आपको 3 सेकंड दे रही हूँ, 3 सेकंड में आपको उसको बताना है। तो चलिए काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, 3 2 1, खत्म। इसको देख के ही आपको बता देना चाहिए। देखें ज़रा सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 4 और इसकी कितनी है 1, तो इसकी 4 में मल्टीप्लाई होगा x का तो ये कितना हो जाएगा 5, तो इसकी डिग्री क्या है 5 है। डायरेक्टली आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको करके बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे हम। तो हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई इसमें किया, x का x स्क्वायर में x क्यूब, x का माइनस x में तो x इंटू x x स्क्वायर, x का x की पावर 4 में तो x की पावर 5, और x का 1 में किया तो x एज इट इज़। अब प्लस 1 का करेंगे तो ये सारे के सारे जो भी टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं।
सो यहाँ पर देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, तो ये कैंसिल हो गए, और ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स, ये कैंसिल हो गए. बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1. तो हमने क्या किया, जो भी हमारा वेरिएबल है एक्स, उसकी डिसेंडिंग पावर्स में हमने इसको जमा लिया, यानी कि 5, 4, 3 और कांस्टेंट नंबर. तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3 प्लस 1, और सबको उनके साइन के साथ लिया. ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, इसके बाद ये प्लस में था, प्लस 1 एज इट इज. अब यहाँ पर इसकी डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों कंप्लीट हो गए हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20. सो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं. इफ 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 आर इन AP, ये AP में है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस तो आप कहीं से भी फाइंड करिए इक्वली रहेगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में ये चीज़ हमको गिवन है कि ये जो तीनों टर्म है ये AP में गिवन है, और इनके बीच का जो मेन रिलेशन है वो क्या है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा. आप इस टर्म में से इसको माइनस करें या फिर इस टर्म में से इसको माइनस करें, रहेगा आपका जो कॉमन डिफरेंस वो सेम ही रहेगा. सो यहाँ पर हम इसी रिलेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो क्योंकि ये तीनों टर्म AB में है इसलिए कॉमन डिफरेंस इनका सेम होना चाहिए. इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन इन दोनों से, और वो क्या होगा, इक्वल. सो सबसे पहली चीज देखें, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया, तो x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल होगा 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10. तो क्योंकि यहाँ दो टर्म है और माइनस कर रहे हैं इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इनके साइन भी चेंज होंगे. अब यहाँ पर देखें, ये x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस के 2x में से एक x माइनस होगा तो बचेगा एक x, और बड़ा है 2 इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन 10 एज इट इज. देन यहाँ पर देखें 3x प्लस 2 एज इट इज, ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये हो गया माइनस का x, ये हो गया माइनस का 10. अब 3x में से एक x माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2x, और 10 और 2 ये नंबर्स हैं, तो 10 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 8, लेकिन 10 बड़ा है इसलिए आ गया माइनस का साइन. अब क्योंकि x की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो x वाले टर्म अलग कर लेंगे और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम अलग कर लेंगे. अब हमने आगे क्या किया देखें ज़रा, ये माइनस का x ऑलरेडी यहाँ था, ये 2x प्लस का था इक्वल्स टू किस तरफ आया, हो गया माइनस का. देन माइनस का 8 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये 10 प्लस का था इक्वल्स टू किस तरफ आया, ये हो गया माइनस का. देन माइनस 2x माइनस x दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, और माइनस 10 और माइनस 8 हो जाएंगे माइनस 18 क्योंकि ये भी ऐड हो जाएंगे. अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा. सो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया, 3 6 18 कैंसिल आउट हो गया. सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6, और यहाँ पर हमको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री. सो cos 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यूजिंग द रिजल्ट. अब यहाँ पर ये हमको रिजल्ट गिवन है, cos a माइनस b इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b. सो 15 की वैल्यू हमको चाहिए है, सो हम यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल. सो 45 और 30 डिग्री की हम बात करें तो 45 में से अगर आप 30 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 15. सो हम इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर 45 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 15 डिग्री, इसीलिए हमने इन दोनों को लिया हुआ है. अब यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 45, बी की वैल्यू हो जाएगी 30. सो क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है ये हमको पता है, सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ देखें, cos 45 माइनस 30, सो ए हो गया 45, बी हो गया 30, सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे. सो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, a 45, b 30, इसलिए cos a के प्लेस पर 45, cos b के प्लेस पर 30, देन sin a 45, sin b 30. अब इन सभी की वैल्यूज हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको आती है तो सारी वैल्यूज आपको पता होंगी. यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैंने अच्छी तरीके से समझाई है, यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर आपको वैल्यूज क्लियर नहीं है तो. सो 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 15. cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. देन बीच में लगाए प्लस. sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. सो इनको सॉल्व कर लेंगे तो cos 15 की वैल्यू हमको मिल जाएगी. सो यहाँ पर देखें, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा √3, और 2 × √2 प्लस 1 × 1 1, 2 × √2 2√2. अब यहाँ देखें, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/√2.
सो यहाँ से cos 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है हमारी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो बस थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसमें 15 है, 15 की वैल्यू फाइंड करना है, और जब ये हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी है, मतलब कि दो एंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 45 और 30। सो 45 हो गया हमारा a और b हो गया 30, 45 माइनस 30 आ गया 15, देन a की प्लेस पर 45, b की प्लेस पर 30 को पुट अप करा, और ये सारी वैल्यूज तो हमको पता ही है, वैल्यूज पुट अप करी, इसको सॉल्व किया तो आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है, और जो सेक्शन ए है हमारा सैम्पल पेपर 1 का वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो पेपर 1 है उसके 1 से लेकर 10 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस भी आपके कवर हो गए हैं। इसके अगले वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2 के 11 टू 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेरे वीडियोज़ जो हैं वो भी पसंद आ रहे होंगे, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और जितना हो सके प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।